हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद निशा में। आज मैं बनाने जा रही हूँ वर्थ स्पेशल रेसिपी, जिसका नाम है कुट्टू के पकोड़े। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ मैंने लिए हैं 150 ग्राम आलू। मैंने बेबी पोटैटोज़ लिए हैं, आप चाहे कोई भी आलू ले सकते हैं। आलू को छील लेंगे। मैंने सभी आलू को छील के धो के रख लिया है, अब इनको काट लेंगे। सारे आलू को ऐसे ही काट लेना है। मैंने आलू को काट के अच्छे से धो लिया है। आधा बाउल कुट्टू का आटा, आधा बाउल सिंघाड़े का आटा, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। आप मेज़रमेंट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। व्रत के पकोड़े के लिए घोल तैयार कर लेंगे। इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे कुट्टू का आटा। अब ऐड करेंगे सिंघाड़े का आटा। काली मिर्च, नमक, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल तैयार करेंगे, जैसे पकौड़ों का घोल होता है। घोल को ज़्यादा पतला नहीं करना है। पकोड़े के लिए घोल बनकर तैयार है। मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है, अब गैस ऑन कर रही हूँ। इसमें डालेंगे घी फ्राई करने के लिए। मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को अच्छे से गरम कर लेना है। घी गरम हो गया है, अब आलू को घोल में डीप कर करके घी में डालेंगे। मीडियम फ्लेम कर लेनी है। मीडियम गैस पे फ्राई करने हैं, जब तक कि अच्छे से सिक ना जाए। इसमें पलटते रहना है, पलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। गए हैं, अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे।
ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। आपको सारे पकोड़े ऐसे ही डालने हैं। इसी तरह से सारे पकोड़े बनाकर निकाल लेने हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। व्रत स्पेशल कुट्टू के पकोड़े बनकर तैयार हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो के नीचे दिया गया लाइक बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।